स्वागत करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। गन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया क्यों भारत व्यापार 26 जनवरी को बंद जरूरी है। जीएसटी के कुछ बेहद घातक प्रावधान सेक्शन 83 आयकर की धारा 281B और CGST की धारा 83(1) में कहा गया है फर्जीबल हर मौजूदा विक्रेता सर्कुलर ट्रेडिंग आदि के कारण कर चोरी मामलों में अधिकारियों को अब बैंक खाते और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा कर अधिकारी अस्थायी रूप से कंपनी निदेशक को भागीदारों कंपनी सचिव कर्मचारियों प्रबंधकों CACS अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कंसल्टेंट टैक्स एडवोकेट या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति और बैंक खातों को भी जब्त कर सकता है जिनकी सहभागिता से कोई फर्जी लेन देन किया गया है। ये प्रधान या गैर कानूनी काम कर रहे लोगों को समाप्त करने के लिए स्वागत योग्य है जिसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन इस कानून का इस्तेमाल उन करोड़ों व्यापारियों के खिलाफ भी किया जा सकता है जो ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे हैं और कानून का पालन भी कर रहे हैं। इस कानून के अंतर्गत कर अधिकारियों को अब यह अधिकार होगा कि वह कोई सबूतों के नहीं बल्कि अपने निष्कर्ष के आधार पर ऐसा निर्णय ले सकेंगे और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी कर सकेंगे। इसी को लेकर हम लोग 26 को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। एक दिन के बाद से प्रदेश में कितने करोड़ों का व्यापार प्रभावित होने की उम्मीद है? भैया अगर प्रॉब्लम नहीं रहा कितना ही वो आकलन तो आ जाएगा आपके सामने, लेकिन ये बात समझो नुकसान तो हमारे व्यापारी का ही हो रहा है। अनुमानित बता दीजिए आप उनसे। टेंटेटिव है, अगर हम भोपाल केवल अकेले भोपाल की बात करें तो करीब करीब एक दिन की बात अगर हम करें तो 100-200 करोड़ का व्यापार प्रभावित होता है। यदि मध्य प्रदेश की पूरे की बात करें तो ये हजारों करोड़ में प्रभावित है और अगर देश की बात करेंगे तो लाखों में जाएगा। इसके बाद भी अगर ऐसे जीएसटी में नई सरलीकरण होता है तो फिर आगे बैंक की क्या भूमिका होगी? नहीं सर, देखिए जो हमारा पिछला अनुभव रहा है और जैसा कि 950 अमेंडमेंट हो चुके हैं, हमको बिल्कुल उम्मीद है कि शासन इस बात को समझेगी और हमको ये आगे की रूपरेखा हमको हमारा जो सेंट्रल बॉडी है जो दिल्ली श्री बरतरिया जी और प्रवीण खंडेलवाल जी उनका जो निर्देश होगा उसके अनुसार ही हम चलेंगे। देखिए आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो कि हिंदुस्तान में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है, कैट के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी जो जीएसटी जमा करने की जटिल और कठिन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उस कानून के कानून का भी विरोध नहीं है, उसकी प्रक्रिया उसकी प्रोसेसिंग जो है उसके जो कड़े प्रावधान हैं जटिल प्रावधान हैं उनके विरोध में ये बंद हो रहा है। साथ ही साथ ई कॉमर्स और जो ऑनलाइन जो बिजनेस है जिससे व्यापारियों का हित हो रहा है उसके विरोध में ये ऑल इंडिया लेवल पे सर पूरा हिंदुस्तान के व्यापारी इसमें समर्थन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में होगा, भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में बंद होगा और लगभग 70 संगठन जो भोपाल में व्यापारियों के एक्टिवेट हैं जो सक्रियता से कार्य करते हैं उन सभी संगठनों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमें समर्थन प्राप्त है। ये थी आज की कुछ खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।